जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाउसवाइफ प्रतिभा होम एंड गार्डन में। आज देखिए ये मैंने डीआईवाई प्लांटर रेडी किया है। कोल्ड ड्रिंक्स की छोटी सी 250 ml की बॉटल है ये, और इसी में देखिए नीचे पत्तियां डालकर मैंने ये मिट्टी प्रिपेयर करके रखी थी, तो उसी को डालकर मैं यहाँ जेट प्लांट डाल रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से इसमें मैंने कटिंग लगाई हुई थी जेट प्लांट की। जेट प्लांट को पिंच किया था और पिंच करने के बाद मैंने इसी में लगा दिया था देखिए ये इस तरह से, और इसको मैंने सैंड में लगाया था। साथ में मैंने थोड़ी सी मिट्टी ऐड की हुई थी, मतलब 70% जो मेरा सैंड था और 30% मेरा सॉइल था यहाँ पर। और इसकी रूट्स देखिए कुछ इस तरह से अच्छी खासी रूट इस तरह से डेवलप हो गई है, और इसको देखिए मैं यहाँ पर लगाऊंगी। तो थोड़ी सी मिट्टी हमको और चाहिए। इस वक्त जब मैंने इसको लगा रही थी तो इस वक्त मिट्टी मेरे पास नहीं थी, तो देखिए साइड से ही मैंने प्लांट से मिट्टी ली थी, और देखिए अच्छे से फिल करने के बाद मैंने इसको लगाया था और प्लांट को रख कर फिर मैंने मिट्टी लगा दी थी। उस वक्त देखिए कितनी छोटी सी मेरी कटिंग ग्रो हुई थी, पिंचिंग का मतलब पिंच किया था तो वो ग्रो हो गई थी। सो मैंने रेनी सीजन में लगाया हुआ था। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैंने मिट्टी से अच्छे से ऊपर रख कर इसको दबा दिया है। और बात करूँ तो मैंने ये जो अब देख रहे हैं वीडियो, ये मैंने 20 अगस्त को मैंने इसको रिपोर्ट किया था, प्लांट को मतलब पॉट में लगाया था। तो ये छोटा सा जो पॉट मैंने बनाया था डी आई वी प्लांटर, और देखिए कुछ इस तरह से हो गया। और इसके बाद आपने इसमें वाटरिंग कर देनी है, अच्छे से वाटरिंग करनी है ताकि ड्रेनेज होल से वाटर नीचे चला जाए। और अभी जो आप देख रहे हैं ये 30 अक्टूबर की वीडियो है, और लगभग 2.5 महीने बाद ये कुछ इतना ग्रोथ हुआ है इसका। और साइड से 2 ब्रांचेज और आ गई हैं, और इन साइड की दोनों ब्रांचेज को कट कर देंगे, मैं निकाल दे रही हूँ क्योंकि मैं इसको सीधा ग्रो अप करूँगी। और नीचे की 2-3 पत्तियाँ जो है हटा कर उसको मैं वापस से लगा दूंगी अपने जेड वाले जो बोनसाई बना रही जेड प्लांट की, इसी में मैं लगा दूंगी। देखिए जेड बोनसाई मेरी 30 अक्टूबर को कुछ इस तरह से दिख रही थी, और 2.25 महीने का ये जो छोटा सा पॉट का अपडेट भी आप देख रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड किया था। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मैंने 30 नवंबर को शूट किया था, लगभग 3.25 महीने बाद मेरा प्लांट कुछ इस तरह से हो गया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और अभी के लिए ये मेरा प्लांट्स देखिए कुछ इतना बड़ा हो चुका है, और आज है 26 फरवरी 2024। आफ्टरऑल 6 महीने बाद हमारा प्लांट्स कुछ ऐसा हो चुका है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब